अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको डबल का मीठा बनाना सिखाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। डबल के मीठे को बनाने के लिए यहाँ हमने एक ब्रेड ली है। सबसे पहले हम ब्रेड को इस तरह खोल कर रख देंगे हवा में 1-2 घंटों के लिए, ताकि वो ड्राई हो जाए। अगर ब्रेड नरम होगी तो तलने में मुश्किल होगी और घी भी बहुत ज़्यादा लगेगा, तो 1-2 घंटे तक हम इस तरह रख देंगे फ्रैन की हवा में या फिर खुली हवा में। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। 2 घंटे बाद ये देखिए, ये थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है, अब हम इसे आसानी से फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में वनस्पति घी डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। घी गर्म हो चुका है, अब हम आहिस्ता आहिस्ता ब्रेड के पीसेस डालेंगे। याद रखिए कि मीठे की ब्रेड ही लीजिए, अगर आम ब्रेड लेंगे तो मीठा सही नहीं बनेगा, पूरा घुल जाएगा। अब फ्लेम को मीडियम पर ही, मीडियम से लो के बीच में ही हमें फ्राई करना है। नीचे से जब लाल होने लगेगा तो तभी हमें पलटाना है। ये देखिए नीचे से लाल होने लगे हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से इसे पलटा लेंगे पीसेस को। एक साथ अगर हम पूरे डालकर तलेंगे तो हमें पलटाने में मुश्किल हो जाएगी और कुछ कुछ काले भी हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो इसी तरह हम थोड़े थोड़े डालकर ही फ्राई करेंगे। ये दोनों साइड लाल हो चुके हैं, अब हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे अच्छी तरह से घी को निथारते हुए। इसी तरह हम सारी ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। और दूसरे साइड हम चाशनी तैयार कर लेंगे दूसरे चूल्हे पर। ब्रेड के साथ साथ हम दूसरे साइड चाशनी भी चढ़ा लेंगे। यहाँ हमने एक ब्रेड के लिए 1 kg शुगर ली है और इसमें हम 2 ग्लास जितना पानी डालेंगे। और 1/2 चम्मच हरी इलायची का पाउडर डाला है हमने और थोड़ा सा कलर डाला है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद लो फ्लेम पे चाशनी को पकने देंगे, तब तक कि ब्रेड फ्राई ना हो जाए, जब तक चाशनी भी तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमने सारी ब्रेड इस तरह से तल कर निकाल ली है। इस तरह से हमने ब्रेड को तल कर निकाल लिया है। अब हम इस लगन में अच्छी तरह से जमा देंगे ब्रेड को, क्योंकि डबल का मीठा लगन में बनाया जाता है, इसीलिए हमने इसे लगन का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे ठीक से जमा देंगे। इसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। इस तरह से सारे पीसेस को जमा लिया है अच्छी तरीके से। अब हम इसमें दूध और खोआ डालेंगे। यहाँ हमने 1/2 लीटर दूध लिया है, अब हम इसमें 250 ग्राम खोआ मिला लेंगे। याद रखिए कि दूध थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा, अगर ठंडे दूध में खोआ डालेंगे तो वो जम जाएगा, अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा। इस तरह से हम चमचे की मदद से इसे थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे। दूध को खोवे में अच्छी तरह से घुलने के बाद हम लगन में डाल देंगे उसे और चूल्हे को ऑन कर देंगे। बस इसी तरह हम चूल्हा ऑन करने के बाद इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहेंगे। जब ये पकने लगेगा उसे थोड़ा थोड़ा प्रेस कर इस तरह से चमचे की मदद से हम दूध को इस तरह सारे टुकड़ों पे डालेंगे ऊपर के, ताकि इसमें दूध सारे पीसेस में पहुंच जाए। यहाँ हमने जो शीरा तैयार कर दिया था वो अच्छी तरह से रेडी है। यहाँ हमारी चाशनी तैयार है। चाशनी को हमने सिर्फ 1 तार जितना ही पकाना है, ज़्यादा उसमें तार नहीं आना चाहिए, वरना पीसेस पूरे सख्त हो जाएंगे। ये देखिए दूध पकने लगा है, बस इसी तरह हम सारे पीसेस पे डालते जाएंगे, इसे थोड़ा थोड़ा दबाते जाएंगे पीसेस को, तो सही तरीके से अब्जॉर्ब होगा। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होती है, वरना कहीं कहीं टुकड़े सख्त रह जाते हैं। और फ्लेम को मीडियम से लो के बीच में ही रखना चाहिए, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं रखना चाहिए, नीचे से दाग पकड़ लेगा।
जब तक दूध दूध अच्छी तरह से अब्जॉर्ब ना हो तब तक शीरा मत डालिएगा। ये देखिए दूध अच्छी तरह से पकने के बाद ये पूरे पीसेस में अब्जॉर्ब हो चुका है ब्रेड में। अब हम इसमें शीरा डाल देंगे। शीरा डाल के 5 से 10 मिनट पकाएंगे। ज़्यादा ढीला ढीला मत नहीं रखेंगे, बस इसे 5 से 10 मिनट पकाएंगे, ये थोड़ा सा टाइट हो जाए मीठा। ये देखिए शीरा डालने के बाद ये अच्छी तरह से पक चुका है और मीठा अभी तैयार है। और इसे हल्का सा ढीला ही रखना चाहिए क्योंकि दूसरे दिन तक अगर हम दूसरे दिन खाएंगे या गर्म करेंगे तो वो एकदम से ड्राई हो जाएगा, इसीलिए हल्का सा इसे थोड़ा सा शीरा इसमें रखना ही ज़रूरी होता है। अब हम इसे फ्लेम ऑफ करके डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए हमारा डबल का मीठा तैयार है। तो आप सबको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ज़रूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।